हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस ब्लॉग। एंड आज है डे टू ऑफ 10 डेज चैलेंज और आज मैं इतना ज़्यादा लेट हो गई लाइब्रेरी के लिए। कल तो मैं 7:30 के समथिंग पहुंच भी गई थी भाई, आज 8:50 पे 8:50 पे भी मैं घर पे ही हूँ। ठीक है, तो अभी मैं निकलती हूँ और उसके बाद आपसे मिलते हैं। एंड लाइब्रेरी जाते जाते यहाँ पे ना एक ट्रक दिखता है, उस पर मेरे भाई का नाम लिखा होता है। ठीक है, और मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके निकल गई थी। मैंने ना यहाँ पे वो वाली क्लिप ऐड नहीं करी है, बट इट्स ओके। और आज तो भाई बहुत ज़्यादा लेट ही पहुँचे हैं, लाइक आप लोग देख ही सकते हो, यहाँ पे 9 बजे के समथिंग मैं पहुँची हूँ 9 सितंबर को। और उसके बाद एज़ यूजुअल मैं बायोलॉजी से शुरुआत करती हूँ, तो जो भी कल मैंने पढ़ा हुआ है उसको भी आज रिवाइज करेंगे। हाँ, फिर उसके बाद ही नया टारगेट स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे मैं टू डू लिस्ट बना रही हूँ, जो भी मेरे को करना है मैं एक साथ यहाँ पे नोट डाउन कर लेती हूँ, सो दैट मेरे को मुश्किल ना हो, मतलब आसानी से मेरे को पता रहे कि पूरा दिन मुझे प्रोडक्टिव रहना है और सारी चीज़ें करनी है। तो एक बार बता देते क्या क्या करना है। तो मॉलिकुलर बायोलॉजी रिवाइज करनी है, उसके बाद जो भी मेरा हाफ चैप्टर हो जाएगा उसको रिवाइज मतलब पढ़ना है, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को। सेंटर ऑफ मास के 2 लेक्चर देखने, AMI के 2 और थर्मोडाइनमिक्स का लेक्चर नंबर 2 देखना है। और अभी मैं रिवाइज करने जा रही हूँ, फिर उसके बाद चैप्टर पढ़ूंगी। और मैंने कल जो पॉइंट नोट डाउन किए थे ना इंपॉर्टेंट वाले, वो पढ़ूंगी। फिर इसके बाद जो यहाँ तक मेरा टारगेट है वो कंप्लीट करूँगी। सो चलो इसे कंप्लीट करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो फाइनली मेरा रिवीजन कंप्लीट हो गया है और अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक ये है RNA वर्ल्ड। यहाँ से मेरे को पूरे 8 पेजेस पढ़ने हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना बड़ा चैप्टर है, इसमें थोड़ा थोड़ा ही करके करना पड़ेगा, सो दैट चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहें। और मैं जब भी आऊँगी नेक्स्ट डे तो इन दोनों जो भी 2 दिनों का मैंने जितना टॉपिक पढ़ा है उसे कवर करूँगी, उसे रिवाइज करूँगी, देन नेक्स्ट स्टार्ट करूँगी। ठीक है, और यहाँ पे जो भी मेरे को लग रहा था एक्स्ट्रा पॉइंट वो भी मैंने नोट डाउन कर लिया है। और एज यू कैन सी गाइस, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें लिख ली हैं जो भी है। लेकिन यार करते करते ना मेरे को 1 घंटा लग गया था दोनों चीज़ें, 10:08 हो चुके थे, मेरा रिवीजन हो गया था एंड मैंने अपना बायो का टारगेट भी कंप्लीट कर लिया था। सो अब मेरा फेवरेट पार्ट है टिक लगाना, इसको लगा देते हैं। फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ मास लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4, 2 लेक्चर देखने हैं। एंड जो मैंने कल पढ़ा था ना लेक्चर नंबर 1 और 2 उसको भी रिवाइज करना है। एंड अब मैं करने जा रही हूँ, पहले रिवीजन करते हैं उसके बाद ही लेक्चर देखेंगे। और यहाँ पे नोट्स आप देख सकते हो ऑलरेडी बने हुए हैं, तो मेरे को ज़्यादा वक्त तो नहीं लगेगा, बट हाँ आप लोगों को तो पता ही है कि मैं सारे क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करके रिवाइज करती हूँ, ऐसे ही नहीं ऊपर ऊपर से कर लूँ, क्योंकि मेरे को पूरा अच्छी तरीके से करना होता है, इसीलिए लिख के ही रिवाइज करती हूँ। सो चलो रिवाइज करते हैं, फिर लेक्चर देखेंगे। ओके, सो या कंप्लीट हो चुका है मेरा रिवीजन एंड अभी टाइम देख सकते हैं पूरा 1 घंटा हो गया। और फिर मैंने ये पार्ले जी खाया, पहले मेरे को लगता था इस पे जो लड़की छपी हुई है वो मैं हूँ सबको ही लगता है, मतलब मैक्सिमम लोगों को ऐसा कि हाँ वही हैं, बट ठीक है चलो। यहाँ पे आप लोग देख लो सारा रिवीजन हो चुका है और सारे क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से अटैम्प्ट किया, जो मेरे को लगे कि मेरे को सॉल्व नहीं हो रहा है उन क्वेश्चन को मैंने 2 से 3 बार भी सॉल्व कर लिया। अब लेक्चर नंबर 3 देखेंगे, ठीक है, सो उसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।
एंड लेक्चर नंबर 3rd भी कंप्लीट हो चुका है और जो टाइम आप लोग देख लो वो 12:30 बज चुके हैं। मेरे को पूरा 1.5 घंटा लग गया है। अब मैं खाना खाने जा रही हूँ, उसके बाद लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ मास का। सो चलो अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। बट हाँ, टिक तो लगा दें भाई, टिक लगा देते हैं, ये मेरा फेवरेट पार्ट है। लेक्चर नंबर 3rd पे टिक लगाना है एंड लेक्चर नंबर 1st और 2nd कल वाला रिवाइज किया था उस पर। ठीक है, अब खाना खाने के बाद लेक्चर नंबर 4 मैंने स्टार्ट किया है और यहाँ पे मैंने गलती से 2nd लिख दिया था, सॉरी 1st लिख दिया था, इस पर मैं 4 लिखने वाली हूँ। सो या सो अब लेक्चर नंबर 4 को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना। ओके, एंड लेक्चर 4 भी कंप्लीट हो चुका है एंड द टाइम इज़ 1:42 अप्रॉक्स, 2 बज चुके हैं। सो या वो करने के बाद अब करेंगे EMI का लेक्चर नंबर 3rd और 4। बट उससे पहले जो मैंने कल पढ़ा हुआ था ना, उसका भी रिवीजन करना है, लेक्चर 1st और 2nd का, तो उसे कर लेते हैं और फिर लेक्चर 3rd देखेंगे, उसके बाद 4 देखेंगे। सो या स्टार्ट करते हैं। रिवीजन में तो भाई बहुत ही कम टाइम लगेगा क्योंकि बहुत ही कम थे, 2 ही पेज थे, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट है ना, तो उसमें ज़्यादा वक्त लगता नहीं है रिवीजन करने में, तो मैंने जल्दी जल्दी कर लिया रिवाइज, फट 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 फट। रिवीजन कंप्लीट करने के बाद मैंने स्टार्ट किया EMI का लेक्चर नंबर 3rd। ठीक है, 2:07 से स्टार्ट किया है। सो इसे कंप्लीट करते हैं और इसमें भी मेरे को ज़्यादा टाइम लग गया यार कंप्लीट करने में, बहुत सारा पढ़ना था मेरे को, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी ऐसी आई हैं जो एक बार में समझ में नहीं आई हैं, तो मैं बार बार देख रही थी उसको। ठीक है, और जो क्वेश्चन मेरे को एक बार में समझ में नहीं आते, मैं उसको 2 से 3 बार सॉल्व कर लेती हूँ और उसे वहीं पर ख़त्म कर देती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दूँ। अगर डाउट आते हैं यहाँ पर, मेरे जो भी डाउट्स होते हैं, या तो फिर मैं अपने टीचर से पूछ लेती हूँ या फिर मैं अपनी फ्रेंड से पूछ लेती हूँ, हल्के हल कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि अगर हम छोड़ देंगे, आज नहीं पूछेंगे, कल पूछ से कह देंगे, आज नहीं कल पूछ लेते, तो फिर इससे ना टाइम ही वेस्ट होगा हमारा। इसलिए इंस्टेंट अपने डाउट को सॉल्व कर लो अपनी फ्रेंड से या जो भी हो। ठीक है, और लेक्चर 3rd देखने के बाद लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाली हूँ मैं। सो या ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं। सो या मेरा लेक्चर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया इसमें, पूरा दिन मेरा लेक्चर 4 अटेंड करने में लग गया है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारी ELP सर ने दे रखी थी, तो मैं सारी चीज़ों को कंप्लीट करके ही छोड़ रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी कंप्लीट ना करूँ, इसीलिए ज़्यादा टाइम लग गया। और अभी जो टाइम हो रहा है वो आपको बताती हूँ, अभी हो रहा है 4:11। ठीक है, 4:11 हो रहा है एंड अब मैं करने जा रही हूँ थर्मोडायनमिक्स। यार कल भी थोड़ा सा थर्मोडायनमिक्स का लेक्चर बचा हुआ था, वो भी मेरे को कंप्लीट करना है एंड लेक्चर नंबर 2nd का आज जो टारगेट है वो भी कंप्लीट करना है। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसमें, लाइक 1.5 से 2 घंटे तो लग ही जाएंगे। और जो भी सर कल होमवर्क दिए थे ना, वो सारा निपटा लिए हैं, बस बिगनर वॉक्स बचा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो ऐसे मैं कल कंप्लीट करूँगी, एक्सरसाइज सॉल्व कर लेती हूँ। एंड यहाँ पे मैंने थर्मोडायनमिक्स भी कंप्लीट कर लिया है, मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई है, प्रॉपर दिखाई है, बट हाँ यहाँ मैं आपको टाइम बता देती हूँ कि कब मैंने कंप्लीट किया है, 5:42 पे मेरे दोनों लेक्चर्स अच्छे से कंप्लीट हो गए। फिर मैंने सोचा मेरे पास अभी टाइम है 1 घंटा 1.5 घंटा, तो फिर मैंने सोचा टेस्ट दे देते हैं। यहाँ पे जो टेस्ट में सिलेबस आने वाला है ना, जेनेटिक्स की पूरी यूनिट, वही मैंने सोचा वो दे देते हैं, और माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर वाली यूनिट, तो ये मैं वही दे रही हूँ। और अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम चैनल, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, मतलब मैं क्वेश्चन पेपर वगैरह डालती रहती हूँ। एंड 6:55 पे मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया, फिर मैं घर के लिए रवाना हो गई। अब मिलते हैं कल। ओके बाय।